हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला वाला टिप्स मेरा टिश्यू को लेकर है। यहाँ पे मैं टिश्यू ले आई। टिश्यू हमारी किचन में हमेशा रहती है और टैल्कम पाउडर भी हम घर पे रखते हैं। किसी भी फ्रेगनेंस की ओर टैल्कम पाउडर रखते हैं। तो टिश्यू के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत टैल्कम पाउडर डाल दी। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिए और टिश्यू को इस तरह से अच्छे से लपेट लीजिए ताकि ये पाउडर बाहर ना आए। देखिए इस तरह से मैंने लपेट ली और देखिए इसको और थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और रबर बैंड में अच्छे से टाई कर लेंगे ताकि ये पाउडर बाहर ना आए और इसके अंदर लॉक होके रह जाए। टैल्कम पाउडर हम तरह तरह के काम में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चलिए ब्लाउज के पास, साड़ी की ब्लाउज जो होती है जब भी हम रखते हैं तो अंडर आर्म के नीचे पसीने लग के यहाँ पे फंगस जैसे हो जाती है और अच्छी वाली खुशबू नहीं आती है, बदबू जैसे आती है। तो इसको क्या करेंगे, इस बदबू को हटाने के लिए और हमारी ब्लाउज वगैरह में अच्छी वाली थोड़ा स्मेल रहे, तो ये क्या करेंगे, जब भी हम जहाँ पे हमारी साड़ी ब्लाउज वगैरह रखते हैं वहीं पे थोड़ा थोड़ा टैल्कम पाउडर टिश्यू में लेकर रख देंगे तो जो पसीने की जो स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है, वो साड़ी और ब्लाउज में नहीं फैलेगी और ये जो पसीना वगैरह सोख लेगी। तो नेक्स्ट वाला टिप्स देखिए, यहाँ पे इस तरह की जो हमारी छोटे छोटे बैग आती है, कैरी बैग आती है, तो ये कैरी बैग क्या कैरी बैग को हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। कैरी बैग बहुत सारे काम में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी छोटा सा कैरी बैग था, तो इस कैरी बैग को देखिए यहाँ पे इसके जो हैंडल के पार्ट है, इस हैंडल के पार्ट को मैं थोड़ा ज़्यादा करके काट रही हूँ ताकि मैं जो काम करूँगी ये हैंडल की पार्ट थोड़ा कम होगा, छोटा जो छोटा वाला होल है तो इसको कैंची की मदद से थोड़ा बड़ा वाला होल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कैसे काट ली, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होल मैंने बना ली। तो चलिए इस छोटे से बैग को लेकर चलते। तो यहाँ पे चली आई मैं, देखिए हमारी चार्जर वगैरह। अक्सर हम ये क्या करते हैं ना, जब भी फ़ोन चार्ज में बिठाते हैं और नीचे कुछ टेबल वगैरह नहीं रहती है तो फ़ोन रखने में बड़ी दिक्कत हमें होती है। तो इस तरह से छोटा वाला बैग लेकर आएंगे और चार्जर के अंदर इस तरह से ये हमारे अडेप्टर के अंदर इस तरह से रखेंगे और फ़ोन चार्ज पे लगा के इस बैग के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी फ़ोन नीचे गिरने की डर नहीं रहेगी, ताकि जब भी हम क्या करते हैं फ़ोन हमारी चार्ज में बिठाते हैं अक्सर क्या करते हैं इस तरह से चार्जर के अडेप्टर के ऊपर रख देते, नहीं तो इसे टांग के रखते। इससे क्या होता है कि फ़ोन नीचे गिर जाती है और डिस्कनेक्ट हो जाती है, चार्ज वगैरह नहीं होती है। इस तरह से सेफली चार्ज हो जाएगी और बच्चे भी हाथ नहीं लगाएंगे और करंट वगैरह की डर भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला ये है मेरी झाड़ू को लेकर है। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी झाड़ू जो ख़राब हो जाती है, पुरानी वाली झाड़ी ख़राब हो जाती है तो हम नया वाला झाड़ू बाज़ार से लेकर आते हैं। झाड़ू को हम क्या करते हैं तुरंत लाने के बाद तो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखिए इस तरह के झाड़ू बहुत ही गहरा होता है और बहुत ही मोटा वाला होता है, बहुत ही मोटा होता है और अच्छा लगता है जो नया वाला झाड़ू आता है। इसके साथ एक दिक्कत है, इस तरह की जो झाड़ू में छोटे छोटे डस्ट वगैरह निकलती है और बहुत दिनों तक ये निकलती रहती है झाड़ू की जो डस्ट वगैरह है। ऐसे तो एक दिन में बिल्कुल निकलता नहीं। इसको क्या होता है ना, बहुत अच्छा लगता है नए वाले झाड़ू में झाड़ू करना, लेकिन डस्ट की वजह से जो हम क्लीन करते जाते हैं और डस्ट गिरता जाता है, ये झाड़ू का डस्ट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी नया वाला झाड़ू लेकर आएंगे इसको हाथ से, देखिए थोड़ा सा हाथ से इसको अच्छे से पकड़ेंगे और यहाँ पे हमारे बैग घर पे जो कैरी बैग होती है, रिलायंस वगैरह की बैग होती है, कुछ भी बैग हो, लई पॉलीथीन वगैरह हो, इस पॉलीथीन के अंदर हम झाड़ू को अच्छे से रख लेंगे। थोड़ा बड़ा वाला बैग लेंगे, नहीं तो ये राइस बैग कुछ भी हो तो थोड़ा बड़ा वाला, जैसे झाड़ू इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए, सिर्फ झाड़ू का हिस्सा फिट हो जाए। तो इसको हम अच्छे से लपेट लेते हैं बैग में, झाड़ू को बैग के अंदर रखें। और यहाँ पे ले आई ताला, जो हमारे घर पे हम हर घर में ताला होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम ताले से कुछ भी वजनदार चीज़ों से झाड़ू को हम इस तरह से घिसेंगे और उसके ऊपर थोड़ा वजन लगाएंगे तो ये झाड़ू के जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है सारे बाहर आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ऐसे तो कहते हैं 15 दिन तक ये झाड़ू से ये डस्ट पार्टिकल निकलता जाता है और हमारे फ्लोर में गिरती ही जाती है, तो साफ होती है और गंदी भी होती है। तो देखिए इस तरह से बैग के अंदर रख के कुछ भी वजनदार, जैसे कि ताला होती है, ताला बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही काम में मदद हो जाती है। तो हमारी तो देखिए ताले से मैं अच्छे से यहाँ पे प्रेशर लगा के थोड़े झाड़ू के ऊपर 2-3 बार
कूट ली। देखिए इसकी जो झाड़ू की जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है, सारे डस्ट पार्टिकल आगे हमारे बैग में, बैग के अंदर हम करें किए कि इसके जो सारे जो डस्ट है ये बाहर ना पड़े और फैन की मदद से इधर उधर चार और फैल जाती है। इस तरह से बैग के अंदर रहे और वो जगह क्लीन रहे। जैसे कि झाड़ू की काम हो गया और आगे से ये झाड़ू में से इतना ज़्यादा ये डस्ट पार्टिकल नहीं निकलेगी और हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला टिप्स देख लेते हैं। यहाँ पे बुक को लेकर है, जो किताब वगैरह बच्चे पढ़ते हैं, इससे क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं किताब जब पढ़ते हैं फैन के नीचे बैठ के तो पढ़ते हैं, तो किताब क्या अक्सर क्या होती है ना, फैन में कहीं पे हवा में लग के किताब ऐसे ही एक पेज पढ़ते हैं लेकिन दूसरा पेज ऐसे ही पलट के आ जाती है, तो बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं। क्या करते हैं हम ऐसे ही, तो उसके ऊपर कुछ वजनदार चीज़ रखते हैं, ठीक, तो जो कंपास वगैरह नहीं तो बुक्स वगैरह कुछ थोड़ा बहुत रखते हैं ताकि बच्चे परेशान ना हो। तो इसका छोटा सा सोल्यूशन है, छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही मददगार है। इस तरह के पेन की कवर हमारे घर पर इधर उधर पड़े रहते हैं, जिसकी ये मार्कर की कवर है, पेन कवर, ये क्या करते हैं पेन जो खत्म हो जाते हैं, इंक वगैरह बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं और कवर को इधर उधर फेंक देते हैं, तो पेन और मार्कर की कवर को हम इस तरह से लगा लेंगे और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। और इसको बुक मार्क के हिसाब से भी हम लगा सकते हैं ताकि जिस तक बच्चे पढ़े उस तरफ एक बुक मार्क लगा देंगे, बच्चे बुक को ऐसे ही किताब को ऐसे ही बंद करके रख देंगे, अगले दिन बच्चे इसको निकाल पाए। कैसा लगा आज का टिप्स एंड ट्रिक्स? आई होप इनमें से कुछ तो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट दे दीजिए और लाइक दे दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल के अच्छे वाले टिप्स एंड ट्रिक्स में।